दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़े ही मजेदार सवाल, शायद आप जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, अच्छा सुंदर जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो चलिए कमाल के वीडियो को अभी और इस वक्त शुरू करते हैं कि सुंदर जानकारी आप तक डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों सवाल नंबर एक, करेला खाने से क्या फ़ायदा मिलती है और कौन बीमारी नहीं होती है हमारे शरीर में। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, अच्छा सुंदर जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है शुगर नहीं होता है, खून में कैंसर की बीमारी नहीं होती है, दाद की बीमारी नहीं होती है, खाज की बीमारी नहीं, खुजली की बीमारी नहीं होती है, घमोरियाँ की बीमारी नहीं होती है, आंखों की रोशनी अच्छा रहता है, कपार दर्द पेट दर्द बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि खून साफ हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इसलिए करेला जरूर खाएँ। सवाल नंबर दो, खून में कैंसर क्यों होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त मेरे तुरंत करें, अच्छा सुंदर जानकारी हरदम हर वक्त पाने के लिए। दोस्तों की अच्छा सुंदर जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है अंगूर नहीं खाने के कारण खून में कैंसर हो जाती है, तरह तरह की बीमारी हो जाती है, तो ऐसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप लोग अंगूर जरूर खाएं। लेकिन अंगूर दो प्रकार की होती है, एक काला अंगूर और एक हरा कलर वाला, तो हरा कलर वाला थोड़ा सा उजरा भी होता है, उसको खाना चाहिए, काला वाला बिल्कुल ना खाएं। सवाल नंबर तीन, गाजर खाने से क्या फ़ायदा मिलती है हम लोगों के शरीर में। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सुंदर अच्छा जानकारी हरदम हर वक्त पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है शरीर में खून बनता है नया, इसलिए दोस्तों आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग गाजर जरूर खाएं, लेकिन हलवा बना करके खाएं, लाल वाला और ज़्यादा फायदा करता है। दोस्तों लाल वाला गाजर जरूर खाएं। सवाल नंबर चार, पालक साग खाने से क्या क्या फ़ायदा मिलती है, कौन बीमारी की नामो निशान मिट जाती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, अच्छा सुंदर जानकारी हरदम पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है आंतों के रेशा मजबूत हो जाता है, कोई प्रकार की दिक्कत शरीर में नहीं होती है और खून नया बन जाता है, आंतों में नया रेशा बन जाता है, गंदगी साफ हो जाती है और बुढ़ापे तक बुढ़ापा नहीं आता है। सवाल नंबर पाँच, पनीर किसको ज़्यादा खाना चाहिए। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, अच्छा सुंदर जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों की अच्छा सुंदर जानकारी आप तक मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है कमज़ोर लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए, कमज़ोर लोगों को ज़्यादा खाने से ये होता है कि पनीर की सेहत बन जाता है, आंखों की रोशनी अच्छा रहता है, हड्डी मजबूत हो जाता है, हड्डी में जान आती है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें मेरे भाई, थैंक यू।